फास्ट न्यूज इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। वन विभाग की लापरवाही से एक महिला की गई जान, वही एक जख्मी। जी हां, फरुखाबाद में बड़पुर मोहल्ला के टीवीएस एजेंसी के सामने सड़क के पास वन विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि पाकड़ की विशाल पेड़ की कटाई करके बीच सड़क पर छोड़ दिया गया है, जिससे सामने से आ रही मोटरसाइकिल का अचानक संतुलन बिगड़ गया और जिससे महिला लकड़ी के चपेट में आ गई और सर में गंभीर चोट लगने से वर्षा आयु लगभग 22 वर्ष पति मुकेश शाक्य ग्राम धर्मनगरिया कोतवाली फरुखाबाद जिला फरुखाबाद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके पति मुकेश शाक्य आयु 23 वर्ष, पिता सुवर्ण सिंह शाक्य ग्राम धर्मनगरिया कोतवाली फरुखाबाद जिला फरुखाबाद के मूल निवासी हैं। उनके बाएं पैर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल इनकी चिकित्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल में चल रही है। फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा से बात करते हैं मृतक के पति मुकेश शाक्य। क्या नाम आपका? वर्षा के साथ आपका क्या रिश्ता है? मेरी वाइफ है। वाइफ है। आपकी आयु? 23 साल। 23 साल। पिता का नाम? सोपला सिंह। गांव? धर्मनगरिया। थाना कौन सा था? चौकी आगे घटिया का था। कादरी घटिया चौकी आगे घटिया का था। थानू का चाचा? अरे कुतवाली जगह के लिए हम। आपके यह दुर्घटना कैसे हुई आपके साथ? हम आ रहे थे वहाँ से ना ऑफिस, तो उस तब उनके स्टाफ ने ना वो ही पेड़ फट गया एकदम। आप कहाँ से आ रहे थे? खरकोस से, स्टेशन पास से, ससुराल से। अपने ससुराल से आ रहे थे। तो दुर्घटना के दौरान किस प्रकार से आपकी एक्सीडेंट हुई थी, कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं थी, मतलब हम आ रहे थे पेड़ फटा एकदम। तो क्या पेड़ से टक्कर हुई थी आप? पेड़ ऊपर से गिरा था। पेड़ ऊपर से गिर गया था। उस सब उन्होंने गेस्ट हाउस सामने आप जाइए देख के आइए, पेड़ फटा हुआ पड़ा हुआ वहीं पर। किसानों को हो रही परेशानी। जी हां, लखीमपुर खीरी के निघासन में बीडीसी शिवकुमार का कहना है कि तहसील निघासन के ग्राम पंचायत भिरोड़ा में गौ माता ने मचाया आतंक। किसानों को हो रही परेशानी। किसानों का कहना है कि हम लोगों की फसल भी खा रहे हैं, गन्ना लाही धान एवं सभी फसलों को खाते हैं और रास्ते पर यह चलते रहते हैं, जिससे हादसे आए दिन होते रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता विनय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बात, हाँ, क्या मामला बताइए आप? यहाँ का मामला है सिंगाही जिला लखीमपुर खीरी, हाँ, थाना सिंगाही। अच्छा, क्या बात है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो पशुओं से हमें कोई भी सहायता मिलना चाहिए। अच्छा। सब हमारे खेत पशु जो है खा रहे हैं, हाँ, फसल जो है सब बर्बाद हो रही है, हाँ, हमें कोई भी सहायता जरूरी चाहिए। अच्छा, काय का फसल खाते हैं ये पशु? ये पशु जो है गन्ना भी खाते हैं, यानी कोई भी फसल है, दाल यानी ये लाही भी है, गेहूँ है, मटर उटर वगैरह, आलू, यानी फसल कोई भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन पशुओं से कोई हादसे रोड पर तो नहीं हो रहे हैं, कोई समस्या और तो नहीं है? हाँ, इनसे जो है पशु पे जो है हादसे भी रोड पे होते हैं, यानी अचानक पशु खल्ले से ऊपर आ जाते हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाता है मोटरसाइकिल वालों का। हाँ, इससे बहुत यानी नुकसान हो रहा हमारा लोगों का। आपके क्या नाम है भैया? हमारा नाम शिव कुमार है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई साहब, आप देख रहे फास्ट इंडिया न्यूज़ में वीर प्रताप सिंह। ये तो रोड पर कैसे ना, इन्हीं वजह से हादसे हो रहे हैं ना। जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। जी हाँ, बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल जी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि उत्तर प्रदेश के बार काउंसलिंग ऑफ
के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने हाई कोर्ट के बंटवारे के लिए जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी वजह से अधिकारियों में आक्रोश है और कोर्ट के सामने हरिशंकर सिंह का पुतला भी फूंका गया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रयागराज द्वारा उनसे त्याग पत्र देने की मांग की गई है और हाई कोर्ट में उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के होने के नाते मुझे इस घटना का दुख है। मेरा प्रयागराज उच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते प्रशांत सिंह अटल, उपाध्यक्ष बार काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश। हरिशंकर सिंह जी का एक बयान समाचार पत्र में छपा है जिस पे पश्चिम में बेंच बनाने की बात है, तो उस बयान के बाद कल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने एक बैठक करके, आपात बैठक करके उक्त तो बयान की निंदा की है और बाकी चीज़ें की। तो हमें बस एक ऑफिशियल स्टैंड ये है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, किसी बैठक में इस तरह का न तो एजेंडा था न हम लोगों ने पास किया है, बस इतना बताना, न पक्ष विपक्ष में भी हम लोग नहीं। हमारा कहना ये है कि यह हरिशंकर सिंह जी का निजी बयान है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कोई ये स्टैंड नहीं है और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश जो भी निर्णय लेगी वो बैठक जब करेगी और सभी माननीय सदस्यों की जो राय होगी उसके आधार पर निर्णय लेगी। आज तो हरिशंकर जी का पुतला भी जलाया गया हाई कोर्ट के बाहर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये हमारी जानकारी में नहीं है, मैं तो लखनऊ से आया हूँ और मैं ये हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से भी निवेदन करूँगा कि सब लोग मर्यादित आचरण करें और जरूर हम इस पर, इस विषय पर अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे और हम सब लोग सदस्य बार काउंसिल के सदस्य होने के नाते, जिम्मेदार सदस्य होने के नाते और मैं उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस दिशा में काम करें। बार काउंसिल इस मुद्दे पे एक साथ रहेगी या दो फाड़ में जाएगी? नहीं, दो फाड़ नहीं होगी, एक साथ रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार काउंसिल में अभी एजेंडा ये रखा जाए, हो सकता है क्या स्टैंड लें लोग वो अलग चीज़ है। ये कोई अभी जितनी बैठकें हुई, इधर 3 माह से मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन जितनी बैठकें हुई उसमें किसी में ये एजेंडा नहीं था और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित हुआ है। अब ये कहाँ से बयान छप गया, कैसे बयान छप गया, इसकी जानकारी हमें नहीं। हमारा पक्ष ये है कि हमें पूरे घटनाक्रम पर दुख है और मुझे लगता है कि जब तक बार काउंसिल का कोई ऑफिशियल स्टैंड न हो तब तक जिम्मेदार पदाधिकारियों को नहीं बोलना चाहिए। आपका परिचय? प्रशांत सिंह अटल, उपाध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। आप प्रदीप सिंह जी हैं श्रीमान, आप को चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। उन्होंने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना एक बयान दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए। ये लड़ाई कई साल से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मानित अधिवक्ता अगर लड़ रहे हैं। कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि हाईकोर्ट का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता के लालच में आकर के हरिशंकर सिंह ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है हम सब लोग उनका पुरजोर विरोध करते हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि हरिशंकर सिंह को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। मैं बार काउंसिल के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से हरिशंकर सिंह को बर्खास्त करें। अभिषेक शुक्ला, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट। जिस तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है उसकी मैं निंदा करता हूँ। हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट ही रहेगा जिसका इन्होंने बंटवारे की बात कहकर के आग लगाने का काम किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए कतई उचित नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। ओम आनंद, पूर्व कार्यकारी सदस्य। अभी के कुछ खास खबर, कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।